प्रशांत, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग देखेंगे कि बिगुनिया के बल्ब्स को कैसे प्लांट करते हैं उनको नए प्लांट में ग्रो करने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बिगुनिया के बल्ब्स को कैसे स्टोर करते हैं। तो मैंने इस कार्टन के डब्बे में, छोटे से डब्बे में, ये मैंने आपको स्टोर करके रखा हुआ था और उसके बारे में एक वीडियो भी शेयर की थी आपको। तो आज मैं इसको प्लांट करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब स्प्रिंग सीजन आ चुका है। अब स्प्रिंग सीजन में ये ग्रो करेगा और दो महीने में समर के टाइम पे इसमें फ्लावर्स वगैरह आ जाएंगे। ये देखिए इसके कैसे छोटे छोटे शूट्स भी निकलने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी शूट्स। और इससे हमें आसानी भी होती है, बड़ी जल्दी हमारे प्लांट ग्रो कर जाएंगे। ये मैंने पॉट ले लिया है, एक मीडियम साइज़ का, और इसमें मैं दो बल्ब प्लांट करूँगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, लगभग 3 से 4 इंच नीचे हमें पॉट में इसको प्लांट करना है। मैंने ये दो जगह बना ली है। ये देखिए देखिए, इसमें रूट्स आए हुए हैं नीचे बेस में, इसको हमें नीचे रखना है। और ये जो थोड़ा सा कॉनकेव हमें लग रहा है ये वाला एरिया, ये हमें ऊपर की ओर रखना है। कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं आपको और भी कुछ बल्ब्स दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, और ये रूट्स वाले पोर्शन, ये इसे हमने नीचे रखना है। ये देखिए इसमें, ये भी नीचे ये कॉनकेव एरिया है, धंसा हुआ है ये, और इसके रूट्स वाले नीचे हैं, तो ये इसे हमने नीचे रखना है। अब मैंने ये बल्ब्स ले लिए हैं, इसको हम लोग नीचे इसमें 3 से 4 इंच नीचे मिट्टी में इसे हम प्लांट कर देंगे। और दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसे यहाँ पे कर देता हूँ। अगर इसके मिट्टी की बात करें फ्रेंड्स, तो ये मैंने इसमें गार्डन सॉइल ले रखा है, लगभग 40% गार्डन सॉइल है, 30% इसमें मैंने कंपोस्ट ले रखा है, और थोड़े से मैंने सैंड ले रखे हैं, और 10% मैंने वर्मी कंपोस्ट भी ले रखा है, ताकि इसको फर्टिलाइज़र की भी दिक्कत ना हो, क्योंकि समर टाइम है ये, तो फर्टिलाइज़र्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं इसके ऊपर से इसमें मिट्टी रख दूँगा, और जब ये ड्राई हो जाए लगभग 5 से 6 दिनों में, फिर हम इसमें अगली बार पानी डालेंगे। ओवर वाटरिंग से बचना है दोस्तों, नहीं तो ये जो हमारा बिगुनिया बल्ब है ये ख़राब हो सकता है, सड़ सकता है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। और ये लगभग 15 से 20 दिनों में इसमें से शूट बाहर आ जाएंगे, और 2 महीने में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इसको मैं दूसरे पॉट में लगाता हूँ। एक मैंने हैंगिंग बास्केट ले लिया, इसमें थोड़ी सी जगह थी, इसमें कार्नेशन फ्लावर भी है, लेकिन साथ में थोड़ी जगह थी, मैंने सोचा कि इसमें मैं बिगुनिया का बल्ब लगा देता हूँ। और अगर हम इसे हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो इसकी ब्यूटी और बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्रीपिंग भी होते हैं बिगुनिया, तो बड़ा अच्छा दिखता है, सुंदर सा दिखता है ये। और ये बल्ब को रख के मैंने इसके ऊपर से इसे मिट्टी डाल दी। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि जब ये ड्राई होगा 4-5 दिनों पर, तभी हम अगली बार पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। सो प्लीज़ गिव थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल इट।